चोण प्रचार बंद हुंदे ही चोणां नूं लै के रंजा शुरू हो गई है। जिला गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़िया विखे श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के वर्करां च तकरार हो गई। तकरार च नौजवान करणबीर सिंह दा तेजतर हथियारां दे नाल कतल किया गया है। 34 साल मृतक के पिता का आरोप है कि वह अकाली दल पार्टी के समर्थक हैं और जब वह वोटा कैंड पिंड च डोर टू डोर कर रहे सन तो उस दौरान कांग्रेसी वर्करां ने उन्हां उत्ते हमला कर दिता। उत्थे मृतक के पिता का कहना है कि हमला करने वाले भी शरीके विचों ही परिवारिक मैंबर हैं जो पिंड के ही रहने वाले हैं और उत्थे ही पुलिस का कहना है कि उन्हां वल्लों बयान दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बेटा है जी, तुहाडा की नाम है? मेरा नाम गुरवंत सिंह जी। अच्छा, तो की इस किस तरह सारी घटना वापरी जी? अं पिंड जी वोटा आखन गए हैं। अच्छा, पिंड बंदे बाबा वोटा। तुसी केड़ी पार्टी ना संबंध रखते हो? आप रहने अकाली दल है जी। अच्छा, तो अं वोटा आखन गए ही नहीं, उदे खलोते हैं तो एक मजहबी मुंडा उन्होंने लड़ डे कि तो उन्होंने हाडे वालों आ गया। मुख्तार सिंह है, मजबी सिंह, एक गुरविंदर सिंह है, एक जसवंत सिंह है, एक तीन वे बेटे क्यों इस ते हमला क्यों किया? कोई गल ही नहीं हुई जी, अं गल कोई की होई हो अपनी गड्डी लैन उ गड्डी लाई, गड्डी मोड़न लगा, उन्हें गुट्टो फड़ के बाहर कट लिया तो उसे बाद मारी गए ने, उसे डिगे न मारी गए, उसे मारता कादे नाल कीता हमला? उन्होंने को बैट बल्ला ही एक दातर ही तो उन्होंने छोटे रक्तपोर जे जो मोटे मोटे डंडे जे ने वह ही वो मारी गए, लम्मे पे नु मारी गए, लम्मा जो पै गया। पहला भी कोई रंजिश आ गई सी? कोई रंजिश नहीं। जिन्ना दी मौत है जिन्ना दा नाम की रे? करमवीर सिंह जी। उम्र किन्नी है उना दी? 34-35 साल है। पहला भी कोई ताडी रंजिश आ गई? ना जी रंजिश कोई नहीं, अपन परिवार अपना होदा। चाचे दा है। वोटां नु लेके सारा वोटां दी गल होई है जी। पार्टी बाजी जो हारदे सी उन्होंने सू हमला किया भी ये बंदे वो गाड़ी लगते हैं सट पेट ला देंगे, सट पेट तो थान पीती ही उन्होंने वो कुटी गए, उन्होंने वेख्या ही नहीं। पहला भी कभी हो ना? ना पहला कोई झगड़ा नहीं। पिंड केड़ा? सीढ़ा जी। उन्होंने पिंड केड़ा? उन्होंने सीढ़ा जी। धन्यवाद। पिंड सीढ़ा पता लगा सीगा भी झगड़ा होया जी, मौके पर आए हाँ तो पता लगा सी बंदे इंजर्ड जिहड़े उत्थे दाखिल होए ने फतेहगढ़ चूड़िया सिविल होस्पिटल तो उत्थे जा रहा जी, मौके पर जो भी बयान लिख के कार्रवाई बढ़ती कर दी जाऊगी। ये जो बयान लिखाऊंगी जी फिर पता लगेगा सारी गल की क्लीयर हुई है जी। बिल्कुल जी, यही तो पता कर ली उ जा रहा जी, सिविल हॉस्पिटल फतेहगढ़ चूड़िया जा रहा।